क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ उठाता है, उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? तो हम रुपए ऊपर लिखेंगे और वस्तु नीचे लिखेंगे, राइट। और कह रहा है 40% का लाभ उठाता है, तो क्या करेंगे हम 100 में 40 जोड़ेंगे, तो 140 से हम डिवाइड करेंगे, जो दिया है उससे तुलना और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। तो क्या पूछा हमें, 1 रुपए में कितने नींबू खरीदेगा, यानी कि हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 जाएगा और 5 से करेंगे 5 × 2 = 10, यानी कि 2 × 7 = 14, आंसर आया हमारा 1/7, यानी कि रुपए ऊपर क्या है, रुपए, और नीचे क्या है, वस्तु है, यानी कि 1 रुपए में उसने कितनी टॉफी खरीद नींबू खरीदे 7, 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे 7, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, राइट। तो रुपए को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं और वस्तु को नीचे लिखते हैं। क्या बेचकर 40% का लाभ उठाता है, तो 100 में 40 जोड़ दिए, जो दिया है उससे तुलना, हमें दिया है कि 40% का लाभ उठाता है, तो हमने 100 में 40 जोड़ा, 140 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया। अब पूछा हमसे क्या है, 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, यानी कि हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, 100% 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, काट दिया, तो आ गया 1/7। तो ऊपर जो होता है वो क्या होता है हमारा, रुपए, और नीचे क्या होती है, वस्तु, यानी कि 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे उसने 7, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।